इस तरह से पहले हमने एक शेप इसके ऊपर ड्रॉ कर ले रहे हैं, फिर ऑल्टर करके इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है, फिर एक डुप्लीकेट इस साइड पर ले लेना है, इस तरह से तीन शेप ले लेना है। फिर यहाँ पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसको इसके पीछे भेज देना है, सेम बॉक्स लेके हमें ऊपर ले लेना है, थोड़ा सा गोल कर लेना है साइडों से, इसके दो बना लेने हैं, यहाँ पर सेट कर लेना है, इसको आगे ले लेना है, इसको इसके ऊपर रख लेना है, और इसको इसके साथ मैच कर लेना है इस तरीके से, और इसको इसके साथ मैच कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा नीचे ले लेना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, एवरेज ले लेना है, फिर इसको इसके साथ मैच कर लेना है। ठीक है, अब ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल करना है, डिफरेंट कलर के ग्रेडियंट्स मिलेंगे आपको इसमें, जिस कलर में बनाना चाह रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके। तब इसमें ख्याल ये करना है कि ये वाला जो है यहाँ पे क्लिक करें और इससे यहाँ पे लें, और इसका जो लेवल है वो इस तरह से रखें, लाइट्स लाइट्स। इसके बाद बीच वाले पे क्लिक करें, यही वाला कलर, उसको थोड़ा ग्रेडियंट में एडिट करेंगे, जो लाइट है उसको बीच में ले आएं और जो डार्क है उनको साइड में रखें। फिर दोनों को सेलेक्ट करके स्ट्रोक्स खत्म कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक करके एक इसका स्टाइल लगा दे, यहाँ पर क्लिक करके कोई ग्रेडियंट इस तरह का देखे, इसका भी स्ट्रोक खत्म कर दे। अब रह गया इसका निब वाला एरिया, नाइफ टूल से लेके कट कर दो। इस तरह का ग्रेडियंट, रेडी है। टैक्स वगैरह इसमें टाइप करना है,
दोनों को सेलेक्ट करके इसका सेंटर बना के तरह से लिख दे, तो आपको कुछ इस तरह से कंसेप्ट। बाद में इसके मल्टीपल और बनाने हैं आइटम्स, तो इसको क्लिक करें, इसे ड्रैग करें, रोटेशंस को यूज करते हैं तो रोटेशंस पे क्लिक करें, और कलर इफेक्ट्स आप लगाना चाह रहे हैं सही, समझ में आ गई बात है।